बोल सच्चे दरबार की जय। पटन देवी मैया की जय। मैं बाबा विवेक द्विवेदी। रामनवमी की तिथि बहुत महान तिथि है और चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी सर्वविदित है। हमारे सभी सनातन ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में, सब में महानवमी रामनवमी को भगवान राम का जन्म उत्सव के रूप में यह तिथि निर्धारित है। और रामनवमी के दिन ठीक दोपहर, एकदम सीधी सीधी भाषा में, दोपहर ठीक 12 बजे मध्य दिवस अति शीत न घामा, जब भगवान राम का जन्म हुआ उस समय दिन जो है मध्य भाग में था, मतलब ठीक 12 बजे का समय उस समय हो रहा था। न ज़्यादा ठंडी थी और न ज़्यादा गर्मी थी। और मुहूर्त कौन सा था? तो भगवान राम के जन्म का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त था। उसी प्रकार से इस साल भी 17 अप्रैल को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव है और उदया तिथि के अनुसार ठीक 12 बजे से जन्म का मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। पंचांग के अनुसार 1 बजे के बाद से जो है मुहूर्त है, लेकिन चूंकि हम लोग उदया तिथि के अनुसार सूर्योदय के साथ भगवान का संबंध है, भगवान सूर्यवंशी हैं, इसलिए जब सूर्योदय हुआ तो उस मुहूर्त के अनुसार हम लोग भगवान श्री राम की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे और भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। भगवान राम परम वैष्णव हैं, भगवान श्री नारायण हरि विष्णु के अवतार और पीताम्बरधारी हैं। भगवान के पूजन के लिए पीत वस्त्र, पीत आसन, पीत पुष्प, पीत चंदन, माने भगवान को पीले आसन पर विराजमान करा के भगवान के परिवार का विग्रह, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और श्री हनुमान जी साथ में विराजमान हैं, ऐसे विग्रह को स्थापित करके पीला आसन बिछा के, पीले माला से सुशोभित करके, पीला चंदन, पीला फूल, पीला फल और भोग पदार्थ अर्पित करके विधि विधान से पूर्वाभिमुख होकर भगवान श्री राम की पूजन करें, भगवान श्री राम के स्तुति का पाठ करें, भगवान श्री राम के सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री राम के रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस तरह से जितने ही पाठ हैं वे सब कल्याणकारी हैं, जिसमें भगवान राम साक्षात निहित हैं और वे भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं।